आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बिस्टान में हुआ किसान महासम्मेलन का आयोजन, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह की मौजूदगी में सुना प्रधानमंत्री का संदेश। शुक्रवार की दोपहर को खरगोन रोड स्थित सभागृह में किसान महासम्मेलन आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आयोजित किसान महासम्मेलन का लाइव प्रसारण किया गया। बिस्टान के कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी भी उपस्थित हुए। सभागृह में आयोजित सम्मेलन के दौरान लाइव प्रसारण के चलते किसानों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का संदेश सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 82 करोड़ की राशि सीधे किसानों के खाते में डाली गई, जिसमें खराब हुई फसलों का मुआवजा, किसान सम्मान निधि भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये राशि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। किसान सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्रों से भी किसान उपस्थित हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा जारी संदेश के बाद किसानों को राहत राशि मिलने से उनके चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के आरंभ में सरपंच देवनारायण ठाकुर द्वारा राज्यसभा सांसद सिंह के प्रथम नगर आगमन पर शॉल श्रीफल से स्वागत किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार देवराम अवस्या, मंत्री राजेश कुशवाहा, टीआई दिनेश कुशवाहा, मीडिया प्रभारी राजेश मालवी, प्रहलाद वास्केले, प्रकाश भावसर, भाजपा के समस्त कार्यकर्तागण उपस्थित थे। बिस्टान से अखिलेश भावसर की रिपोर्ट।